Welcome to my Yoku classes today. Today I am here with some important verb forms that will help you speak very good English and also enrich your knowledge of grammar. So dear students, आज हम grammar plus English speaking के लिए एक verb लाया हूँ मैं जो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही difficult भी है. दिखने में आसान है वैसे हम उसका कई बार गलत यूज भी कर लेते हैं. तो चलो वो वर्ब क्या है, वो है हैव. तो देखिए हैव का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा यदि आप चाहते हैं कि हम अच्छी अंग्रेजी सीखें और अच्छी अंग्रेजी बोलना शुरू करें. तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल से लेके आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड की तरफ. तो सिंपल में क्या है, सबको पता है कि हैव का यूज परफेक्ट टेंस में होता है. परफेक्ट, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, जब मैं हैव की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हैज भी है और हैड भी है, सभी कुछ इसमें आ जाएगा. वो सब्जेक्ट या प्रोनाउन के हिसाब से आ जाता है जो कि आपको पता है. मैं ये मान के चलता हूँ कितनी आपको प्रीवियस जानकारी है. तो ठीक है, हैव परफेक्ट टेंस में आता है. इसका मतलब सेंस ऑफ कंप्लीशन, अगर किसी सेंटेंस में पता लगता है कोई काम कंप्लीट होने के सेंस में कोई सेंटेंस बनता है तो वहाँ हैव का यूज करेंगे. बहुत आसान है. तो पहले मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे सीधा सा है कि आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज. तो ये क्या है, आई हैव कंप्लीटेड, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, करने का काम पूरा. शी हैज, हम लिख सकते हैं शी हैज फिनिश्ड हर लंच, उसने अपना लंच कर लिया है, पूरा कर लिया है. राइट, इस तरह से हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा. हैज हैव तो पास्ट परफेक्ट में ही आएगा. तो जब किसी काम को कंप्लीट हम कर लेते हैं तो उसमें हैव का यूज होता है. दैट्स ऑल. अब चलो हैव का यूज, कहीं आपको कोई काम करना है तो वहां कैसे इसको लिखेंगे. जैसे आपको कोई काम करना है हैव टू, जैसे कोई काम करना है आपको तो वहां हैव टू, या कंपल्सन का यूज भी होता है हैव टू इन द सेंस ऑफ कंपल्सन. कंपल्सन माने मजबूरी या जबरदस्ती है या कोई और ऐसी चीज है तो उसमें आप हैव टू का इस्तेमाल भी करते हैं. या शेड्यूल्ड है कोई काम, आपको करना ही करना है, जबरदस्ती कोई जरूरी नहीं है इसमें. जैसे अभी मुझे पानी पीना है, अभी मुझे खाना खाना है, अभी मुझे पढ़ना है, अभी मुझे उसकी पेमेंट करनी है, तो ये क्या है, मजबूरी नहीं है, ये तो आपको करना है. तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हैव टू का यूज करते हैं. आई हैव टू पे द शॉपकीपर, आई हैव येट टू हैव माई लंच, I have yet to complete my work. लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, जैसे I have to go there. I have to go there. मुझे वहां जाना है. लेकिन अब आपको एक चीज बताऊं मैं, क्योंकि मैं साथ साथ आपको इसके साथ चला रहा हूं स्पीकिंग की क्लासेस. तो स्पीकिंग में क्या है, कोलोकियल बन जाता है. हैव टू का यूज कोलोकियल में कम होता है. बातचीत की अंग्रेजी में आजकल एक ट्रेंड चला है जिसको बोलते हैं गॉट टू. गॉट टू, हैव के साथ आप गॉट लगा दो, हैव गॉट टू, मुझे जाना है तो हम बोलेंगे आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो, मुझे अभी उसका पैसा देना है, आई हैव got to pay him. Right. तो इस तरह से आप got to का इस्तेमाल करेंगे compulsion या कोई scheduled काम है आपका जो करना ही करना है आपने, वहां भी जहां have to use करते हैं colloquial में वहां got to का use किया जाता है. चलिए इसके बाद चलते हैं हम use इसका कहां कहां कैसे कैसे होता है. तो चलिए आगे तीसरे नंबर पे हम चलते हैं. स्थायी रूप से अधिकार का सेंस कहीं होता है, सेंस ऑफ परमानेंट पोजेशन, सेंस ऑफ परमानेंट पोजेशन, समझ रहे हो.
किसी चीज पे आपका स्थायी रूप से अधिकार है। स्थायी रूप का मतलब परमानेंट, जैसे मेरा घर है, आपकी बाइसिकल है, या कोई भी चीज है इसपे आपका परमानेंट अधिकार है, तो उसमें आप कैसे यूज करेंगे इसका, ये थोड़ा समझने की चीज है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले बोलिए हैव का प्रयोग कैसे कैसे इसका होता है ये मैं बताऊंगा। जनरली जैसे मैं बोलता हूं डू यू हैव ए हाउस, एक क्वेश्चन किया मैंने, डू यू हैव ए हाउस, बिल्कुल सही है कि गलत है, एक क्वेश्चन किया मैंने, डू यू हैव ए हाउस, क्या आपके पास एक घर है तो आएगा क्योंकि आपके पजेशन में है। कोई भी चीज जब हमारे पजेशन में होती है वहां हैव का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन किया डू यू हैव ए हाउस। देखो अब यही चीज जो मैं बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल सबको सही लगेगा, पेपर में भी आ जाए तो इसमें कोई गलती है, क्या बोलते हैं उसको, नो एरर वाले ऑप्शन में डाल देंगे लोग इसको, लेकिन ये गलत है। अब क्या है, मैंने पहले भी कहा था कि इंग्लिश हमेशा सेंस के बेस पे चलती, सेंस जहां सही होगा वही आपको करना है, किस सेंस की हम बात कर रहे हैं। तो आपको एक चीज बताते हैं, देखिए अगर किसी चीज में परमानेंट पोजेशन का सेंस है, परमानेंट पोजेशन का सेंस है, तो इसमें डू का यूज नहीं होगा, डू का यूज नहीं होगा। तो परमानेंट हम सीधा कैसे क्वेश्चन बनाएंगे इसका, हैव यू हाउस, हैव यू ए हाउस, ये क्वेश्चन कर लिया हमने, हैव यू हाउस सीधा बोलो, अगर आपके पास परमानेंट पोजेशन के सेंस में हम बोल रहे हैं, राइट। तो परमानेंट पोजेशन के सेंस में डू का यूज नहीं होगा, ये आपको पक्का बना के चलना है। हम बोल सकते हैं हैज द सन, हैज द सन हीट, हैज द सन हीट, राइट। इसमें हमने डू का इस्तेमाल नहीं किया, डज का इस्तेमाल, कई ऐसे भी तो कर सकते हैं, डज द सन हैव हीट, ये ज्यादा सही लग रहा है आपको, लेकिन ये गलत है क्योंकि परमानेंट चीज है, हीट तो परमानेंट सन के पास होती है, इसलिए इस पर डज का यूज नहीं होगा, हम लिखेंगे हैज द सन हीट। ये आपने इस तरह से समझाना है, जो परमानेंट पोजेशन के चीज या सेंस में कोई हमारे पास ऐसा सेंटेंस आता है वहां भी आप क्या करेंगे, डू का यूज नहीं करेंगे, राइट। जैसे परमानेंट पोजेशन में हमारे सफेद बाल है तो परमानेंट हो ही गए, हम डू यू हैव, हम लिख सकते हैं ना डू यू हैव ग्रे हेयर, डू यू हैव ग्रे हेयर, तो ठीक है सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं हम डू आएगा, लेकिन परमानेंट सिचुएशन है तो इसमें हम डू नहीं लगाएंगे बल्कि लगाएंगे हैव यू ग्रे हेयर, हैव यू ग्रे हेयर, इस तरह से आपने इसको समझना है। तो परमानेंट सेंस, परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट पोजीशन के सेंस में आप डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे हैव के साथ, डोंट यूज डू विद हैव, मतलब इसका ऐसे समझो डू का यूज नहीं इन द सेंस ऑफ परमानेंट पोजेशन, परमानेंट पोजेशन के सेंस में डू का प्रयोग हैव के साथ मत करो, राइट। अब आगे बढ़े, चलिए आगे, फिर आगे बढ़ने से हम क्या बता रहे हैं आपको, हैव हैबिट और प्रैक्टिस के सेंस में, हैव कभी कभी हैबिट और प्रैक्टिस के सेंस में भी आता है, राइट। हैव एज हैबिट, हैव एज प्रैक्टिस, जब हैव का इस्तेमाल हम प्रैक्टिस या किसके रूप में करते हैं, हैबिट के रूप में करते हैं तो भी डू नहीं आएगा, कि आएगा ये हमने अब समझना है, राइट। तो ठीक है, हैबिट के रूप में जब आएगा तो याद रखो वहां डू का यूज होगा, हैबिट और प्रैक्टिस के सेंस में जब आता है तो हैव के साथ डू का यूज करेंगे, परमानेंट पोजेशन के सेंस में आएगा डू का यूज नहीं होगा। हैबिट और प्रैक्टिस के सेंस, देखो बहुत समझने की बात है, बारीक
एक सरल डिफरेंस है इसमें। कैसे? देखो ये भी चीज परमानेंट है और हैबिट कोई चीज है हमारी या प्रैक्टिस है वो भी तो परमानेंट ही हो जाती है, लेकिन यहाँ पे डू का इस्तेमाल करना है। जैसे डू इंग्लिश पीपल हैव व्हाइट स्किन, ये भी तो परमानेंट चीज है, लेकिन यहां पे ये क्या है हमारी, नहीं ये हैबिट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, आई एम रॉन्ग हियर सॉरी, ये डू इंग्लिश पीपल ये हैबिट या प्रैक्टिस का मतलब ना कस्टम से, कोई कस्टम से रिलेटेड, डू इंग्लिश पीपल या इंग्लिश वीमन लिख दो हैव पर्दा, पर्दा जानते हो ना वील, क्या वहां की औरतें पर्दा पहनती हैं, पर्दा करती हैं, तो एक हैबिट है या पार्ट ऑफ कस्टम है ये यहाँ आ सकता है, तो इसलिए यहाँ डू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कर सकते हैं इसको डज ही हैव मच मनी, देखो ये भी एक प्रकार से उसकी हैबिट है या वो प्रैक्टिस है उसकी ज्यादा पैसा रखने की, अगर इस सेंस में हम बोलते हैं तो बिल्कुल सही होगा, डज ही हैव मच मनी, बिल्कुल सटल डिफरेंस है जो कि आपने इसमें समझना है। इसके बाद हम चलते हैं और आगे इसके सेंस में, अब क्या करना है कैसे करना है ये देखो। अब हैव जो है किसी और चीज के सेंस में हम आपको बताएंगे, खाना पीना, हैव का ईट एंड ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक के सेंस में भी हम हैव का यूज करते हैं, ये याद रखना इस चीज को, ईट एंड ड्रिंक के सेंस में भी हम हैव का यूज करेंगे, राइट। तो I have at, हम लिख सकते हैं I have my lunch at 3 PM, I have my lunch at 3 PM मतलब मैं 3 बजे अपना लंच करता हूँ, इट्स ओके। मैंने खाने और पीने के सेंस में हमेशा हम क्या have का यूज ही करेंगे, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं I had my dinner late yesterday night, पिछली रात को मैंने जो डिनर किया था वो लेट किया था, तो हैव की फॉर्म है, हैड पास्ट में आ गया, तो यहाँ खाने पीने के सेंस में भी हैज हैव हैड का यूज होता है, स्पेशली आपको करना है। आई एम ईटिंग माय फूड से बढ़िया आई एम हैविंग माय फूड, इट्स ओके। अब इसके बाद एक चीज और है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, डू, अगर ये खाने पीने का नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस बनता है या इंटरोगेटिव बनता है, तो उसके साथ डू का इस्तेमाल जरूर होगा। इंटरोगेटिव और नेगेटिव खाने पीने के सेंस वाले सेंटेंसेस में डू जरूर आता है। जैसे हम बोल सकते हैं डू यू Have wine every day? हमने क्वेश्चन किया तो हमने डू लगा दिया, डू यू हैव वाइन एवरी डे, डज शी हैज हैव आएगा, डज शी हैव हर लंच प्रॉपरली, क्या वो अपना खाना सही तरह से लेती है, लंच सही तरह से लेती है एवरी डे, इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, तो ईट एंड ड्रिंक के सेंस में भी इसका यूज होता है, राइट। तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही हैव का यूज बताएंगे, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट ज्यादा नहीं 5-7 मिनट की क्लास हम लेंगे इसमें, वो हम सेकंड पार्ट कल वाले क्लास में आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसके साथ साथ माय रिक्वेस्ट अगेन टू सब्सक्राइब एंड share and like, that's all, wait until next class.